परिधि ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी आंखें बंद कर माँ के ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। बीच बीच में वह आंखें खोल थिएटर के ऊपर जल रहे बल्ब की ओर देख लेती। उसकी माँ बाथरूम में फिसल गई थी और सिर में गंभीर चोट आई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। परिधि के होंठ लगातार हिल रहे थे। मन ही मन कही जा रही थी, माँ तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारी हर शिकायत दूर करूंगी। तुम कहती हो ना कि माँ बेटी जैसा रिश्ता कोई और नहीं होता। बेटी से मन की सारी बात की जा सकती है। तुम मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती हो, पर मैं ही हूँ जो तुम्हें इग्नोर करती रहती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कभी समय नहीं रहा। मैंने कभी समझा ही नहीं कि पापा के जाने के बाद तुम कितनी अकेली पड़ गई हो। तुम्हारी दुनिया मुझमें ही सिमट गई है। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है ना माँ, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती हो। और मैं हूँ कि तुम्हारे पास बैठकर कभी पूछा भी नहीं कि तुम अपना पूरा दिन कैसे बिताती हो, तुम्हें क्या चाहिए। नहीं जान पाई कि तुम्हारी उदास आंखें क्या कहना चाहती है। परिधि लगातार बड़बड़ा रही थी। माँ मैं बहुत बुरी बेटी हूँ ना, बस एक बार मेरी बात सुन लो, ठीक हो जाओ। देखो अब से मैं तुम्हारे पास बैठा करूँगी, तुमसे बहुत बातें किया करूंगी, बस एक बार। आज परिधि 2 घंटे से बैठी थी पर माँ उसके पास नहीं थी। परिधि की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहे जा रहे थे। तभी डॉक्टर की आवाज आई, पुष्पा के साथ कौन है? आवाज सुन परिधि दौड़ी। डॉक्टर ने धीमे स्वर में कहा, सॉरी हमने बहुत कोशिश की पर तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए। परिधि बुदबुदाते हुए थिएटर में घुस गई। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, माँ से लिपट कर रोने लगी और बोलने लगी। माँ आंखें खोलो, माँ एक बार बोलो, देखो तुम्हारी बेटी आवाज दे रही है, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। माँ बड़े होने के साथ बच्चे भूल जाते हैं कि उनके माता पिता को उनकी कितनी जरूरत है। बच्चे खुद में इतने खोए रहते हैं और इस बात का एहसास भी नहीं होता कि माता पिता को उनकी कितनी जरूरत किस पल में होगी। यही हुआ इस कहानी में भी। ये सच कहानी है। यदि वह समय से माँ का ख्याल रखती, माँ के बारे में सोचती, माँ की केयर करती ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब वो छोटी थी माँ ने उसकी केयर की थी, तो शायद आज उसे इतना पश्चाताप नहीं होता, उसे दुख नहीं होता और उसे अपनी गलती का एहसास होता। आप अपने माता पिता की सेवा करें, उनका पूरा ख्याल रखें। उम्र बढ़ने के साथ उन्हें आपकी ज़रूरत है। इस बात को समझें, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझें।